गाड़ी दिखाना तो कौन है? हम दिखा दिए थे, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। आप कौन भाई बताना पड़ेगा। मोंटाज में ये वीडियो देखा आपने, क्या लगता है आपको ये लोग कौन हैं? ये कोई चोर और चक्के नहीं है, ना ही लुटेरे हैं, ना गुंडे मवाली हैं, बल्कि ये दो राज्यों की पुलिस है जो आपस में लड़ रही है, खींचमतानी कर रही है। जी हाँ, दरअसल गोदी पत्रकार रोहित रंजन, जिन्होंने राहुल गांधी की बैठक को गलत संदर्भ में दिखाया था, उनके खिलाफ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज हुई है। अब छत्तीसगढ़ की पुलिस इनको गिरफ्तार करने गाजियाबाद पहुंची है, उनके पास वारंट है, सब कुछ है, लेकिन योगी पुलिस जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो वहां पर पहुंच जाती है। उनका कहना यह है कि बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए आप इनको नहीं ले जा सकते हैं। तो आप समझिए स्थिति कहां तक पहुंच चुकी है। दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, दो राज्यों की पुलिस आपस में लड़ रही है, और यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जब तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने आई थी तो हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने तजिंदर बग्गा को रोक लिया था और पंजाब पुलिस को रोक लिया था, और तजिंदर बग्गा को उनसे छुड़वाकर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया था। तो आप समझिए कि जहां पे जिसकी सरकार है वो पुलिस को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। रोहित रंजन जो DNA कर रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी की बाइट जो वायनाड के संदर्भ में थी, जब उनके ऑफिस पर हमला हुआ था, उस बाइट को उन्होंने उदयपुर के कांड के संदर्भ में चला दिया था, जिसके बाद तमाम कांग्रेसी जो थे वो आग बबूला थे। नोएडा में फिल्म सिटी के बाहर उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मुंबई में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से जी न्यूज लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा था, खासकर कांग्रेस के खिलाफ जो एक अपोजिशन को डिमिनाइज करने की जो कोशिश थी उसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी। अब मामला यह पहुंच चुका है कि छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज होने के बाद अब छत्तीसगढ़ की पुलिस इनको गिरफ्तार करने आई है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। ये वीडियो देख लीजिए। कौन बोलता है अभी क्यों जाऊं मैं वहां पे आपके पास? अरे यहाँ ड्रामा हो जाए, आप लोग एक वर्दी में भी है, सही है तो आप बार 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 शांति शांति कर रहे हैं, इसीलिए तो एक वर्दी में है, इसी वर्दी का चंदा बताइए। आईडी कार्ड है अपनी, आईडी कार्ड फर्जी होते हैं, फर्जी नहीं है, चेक करा लीजिए आप। तो देखा आपने, हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस की सरकार है वो बजाय जो संपादक है, जो मालिक है, उनको गिरफ्तार करने के, वो एक एंकर को गिरफ्तार करती है। आप समझिए कि जो पूरे प्रोग्राम को या पूरे मीडिया को रन करता है, जो इसके पीछे मैन माइंडेड दिमाग होता है, उसको गिरफ्तार करने की बजाय एक एंकर को गिरफ्तार करती है जिसका सिर्फ काम होता है स्क्रिप्ट पढ़ना। लेकिन मामला यही नहीं रुका, अब इस पर जो BJP समर्थक हैं या गोदी पत्रकार समर्थक हैं वो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। जी हाँ, कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है कि एक सच्चे और ईमानदार राष्ट्रवादी पत्रकार को इस तरीके से गिरफ्तार करना ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन यही कपिल मिश्रा जुबेर की गिरफ्तारी पर लिखते हैं कि प्रोपेगेंडा फेक न्यूज पेडलर, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले जुबेर, जिहादी मानसिकता के पत्रकार, पत्रकार भी नहीं बोलते उनको, जिहादी बोलते हैं, और उनको कहते हैं कि इनको, इन पर शिकंजा कसा गया, अब एक एक करके सबका नंबर आएगा। तो आप समझ सकते हैं जब इनकी बारी आती है तो ये लोकतंत्र की दुहाई देने लगते हैं, लेकिन जब कोई सच्ची पत्रकारिता करता है, मजलूमों की आवाज उठाता है, इनका प्रोपेगेंडा, इनके प्रोपेगेंडे को ध्वस्त करता है, तो उसको ये जेलों में डाल देते हैं। आज तमाम मुस्लिम नौजवान जेलों में बंद है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो संविधान के तहत लड़ाई लड़ रहे थे। उमर खालिद याद है आपको, हाई कोर्ट में उनके काउंसलर नहीं पहुंचते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कोविड के चलते तबीयत खराब थी, तो उनकी बेल की जो सुनवाई थी उसको बढ़ा दिया जाता है। सरजील इमाम 5 राज्यों में FIR हुई है, आज तक जेल से बाहर नहीं निकले सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने CAA आंदोलन में शाहीनबाग जैसा मॉडल दिया था। तो आप समझिए, लेकिन जब रोहित रंजन जैसे पत्रकार गिरफ्तार होते हैं जो झूठ फैलाते हैं जानबूझकर, तो उनके लिए ये लोग
लोकतांत्रिक मूल्यों का रोना रोते हैं। तो ये खबर थी कि जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ पुलिस गाजियाबाद पहुंचती है रोहित रंजन को गिरफ्तार करने, वहीं बीजेपी शासित राज्य जो उत्तर प्रदेश है वो अपनी पुलिस को लगा देते हैं उनके पीछे कि आप इनको नहीं ले जा सकते। आप सोचिए कि पुलिस का क्या इकबाल था और क्या से क्या बन गया। आज उनके इकबाल एकदम खत्म हो चुका है, पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं रहा है। जिस तरीके से कल यूपी में सहारनपुर मामले की जो वीडियो वायरल हुई थी, जो बीजेपी के एक विधायक ने ट्वीट किया था, उसके बाद वो पूरा मामला हाईलाइट हुआ था। अब उसी मामले में 8 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है, आप सोचिए। और उनकी जिस तरीके से पिटाई की गई थी, उनको जिस तरीके से 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन उनको जेल में रखा गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सारी चीज़ें हैं। जिसके पास सत्ता है वो अपने हिसाब से पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में ठाकरे थे या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है या बंगाल में ममता बनर्जी है या और दीगर राज्यों में बीजेपी है। तो जहाँ जहाँ जिसकी सत्ता है वो पुलिस का अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, लेकिन जो मजलूम है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, उसके हक अधिकार के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, सच्चाई के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। वहीं तेलंगाना में केसीआर अपने हिसाब से पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज भारत को पुलिस स्टेट में तब्दील करते जा रहे हैं ये लोग। और जिस तरीके से ये रोहित रंजन को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ पुलिस आती है, उसके बाद यूपी पुलिस उनसे भिड़ जाती है, ये बहुत ही एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयानक है, बहुत ही डरावना है। इस तरीके से अगर दो राज्य की पुलिस लड़ेगी तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।